श्रावण मास में दयादिदेव महादेव का नाम लेने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनकी महिमा का बखान कर रुद्राभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की आराधना के इस महीने के सोमवार को महिलाएं व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है, हम मनकामेश्वर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और इतने अच्छे दर्शन मिले हैं और यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छे से की गई है। तो मैं मनकामेश्वर बाबा से बस इतना प्रार्थना किया है कि सबको सद्बुद्धि और शांति और सुख शांति सब कुछ सबको प्रदान करें, जो आए जो ना आए सबको मिले, क्योंकि सावन चल रहा है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का या पहला सोमवार आज है। सावन के पहले सोमवार को संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में भक्तों की भरी भीड़ उमड़ी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोर से ही शिव मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दूधा अभिषेक कर रहा है। भोलेनाथ को बेलपत्र फूल चढ़ाए जा रहे हैं। ये सावन का पहला सोमवार है। इस मंदिर की शिव पुराण में ये मंदिर का प्रसिद्धता ऐसी लिखी गई हुई है कि किसी और शिव पुराण में और की नहीं है। इसमें यह है कि जो इसमें हर सोमवार आता है, हर रोज पूजा करता है, पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामना भोले बाबा पूरा करते हैं और प्रसाद के रूप में उसे घर परिवार सुख शांति और प्रदान करते हैं। सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। मनकामेश्वर मनोकामना पूर्ण करें, हम शंकर भगवान की कामना पूरा करते हैं। प्रयागराज के सबसे प्राचीन और पौराणिक मंदिर मनकामेश्वर, जो यमुना तट पर स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ चित्रकूट वन गमन के समय यहां पर अभिषेक किए थे और पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद उनकी सभी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हुई थी। तभी से यह मान्यता चली आ रही है और जो भी भक्त सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान शंकर काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे और त्रेता युग में भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो संगम क्षेत्र में आए और अक्षय वट के नीचे आने के बाद फिर मनकामेश्वर आए, यहाँ जलाभिषेक किया है, तभी से ये स्थान मनोकामेश्वर के रूप में जाना गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इनका उल्लेख आता है कि प्रयाग के दक्षिण में और यमुना के उत्तर तट पर जो स्थान है वो कामेश्वर तीर्थ है। जहाँ तक सावन का सवाल है तो भगवान शंकर से संबंधित सावन का हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज सोमवार है और सुबह मंगला आरती होने के बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है और अपने कतार में लगे हुए हैं और जो भी जब भी जिनका समय आता है वो अपना जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान मनोकामेश्वर उनकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण करेंगे। इसमें जलाभिषेक करने का बड़ा फल है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने से रुद्राभिषेक नहीं होता है, पर सावन में रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। अगर दूध से रुद्राभिषेक किया जाए तो स्वास्थ्य की जो भी समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। अगर गंगा जल से किया जाए तो विजय श्री के लिए होता है और भी जीवन में जो समस्याएँ होती हैं उनका निदान होता है। और अगर गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान शंकर सबको जो भी इच्छा होती है मनोवांछित फल देते हैं। ये सावन का विशेष महत्व है। वही सुरक्षा की बात करें तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, आरएएफ के जवान, पुलिस के जवान मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक मौजूद दिखे, जिससे किसी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना ना हो सके और सुरक्षित भक्तों को भोलेनाथ दर्शन करा के सुरक्षित उनको घर भेजा जा सके। प्रयाग क्षेत्र से नहीं बाहर से भी लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए बैरिकेटिंग की गई है। नए यमुना पुल के नीचे ही पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है और वहीं से लोगों को महिलाओं की अलग से लाइन लगाई गई है, पुरुष अलग ऐसे ही गर्भगृह के अंदर आते हैं और वहां भी दो दरवाजे हैं, उनमें प्रवेश करते हैं और जलाभिषेक करने के बाद दूसरे रास्ते से उनको बाहर निकाला जाता है। यहाँ प्रशासन के द्वारा 14 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, चौराहों पर भी लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस का व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, जल के लिए पानी के लिए टैंक खड़े किए गए हैं। शासन स्तर पर उच्च व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी जहां जैसी समस्या है शासन अपने स्तर से कर रहा है
और मंदिर प्रशासन भी उनके साथ सहयोग कर रहा है, जहाँ जैसी व्यवस्था मंदिर से बन रही है वो मंदिर कर रहा है।